नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों आज मैं आपको 18 इंची एग्जॉस्ट फैन की मोटर जो है रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास 18 इंची एग्जॉस्ट फैन की मोटर आई है जो बंद बता रही है, तो आइए इसको चेक करते हैं इसमें क्या खराबी है। सबसे पहले हम सारी तारें खोल लेंगे, खोलने के बाद हम सीरीज ले से इसको टेस्ट करेंगे। ये हमारी बिल्कुल सही है, ये पॉइंट हमारा बंद है। अगर आपके पास चार तार वाली कूलर की मोटर है तो जो दो कलर की एक तार होंगी और दो कलर की एक तार होंगी, जो एक कलर की होंगी उसको आपस में टच करना है। अगर वो नहीं सीरीज ग्लो करता है तो समझ लिए वो उसकी कॉइल ख़राब है, जैसे कि इसमें बता रहा है इसमें एक कॉइल ख़राब है। ये रनिंग की कॉइल है और ये स्टार्टिंग की कॉइल है। आइए हम खोल के इसको देखते हैं इसमें क्या कमी है। इसके पेज खोलने के बाद जो है हम आगे से हथौड़ी की मदद से हल्का चोट मारेंगे इसमें, ये पूरा बाहर आ जाएगा रोटर। इसके पेज निकाल लेंगे, देखिए हमारा आराम से खुल गया। इसको हम अलग रख देंगे, इसको फिर से चेक करेंगे। ठीक है, और ये हमारी ब्लैक वाली जो है स्टार्टिंग कॉइल हमारी बंद है। इसको कटर की मदद से इसमें जो धागे लगे हुए हैं उसको काटेंगे हम। धागा यहाँ से यहाँ तक हटा लेना है, जहाँ तक ये स्लिप दबी हुई है हमें इन्हीं कनेक्शन तक जाना है। ज़्यादा पूरा खोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको आराम आराम से हम उखाड़ लेंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल है, ये अंदर की कॉइल से जुड़कर आई है, और ये हमारी रनिंग है, ये बाहर की जो है वो बाहर की कॉइलों से जुड़ के आई है। तो हमारी सिर्फ अंदर वाली जो है वो कंटिन्यूटी बंद है। तो इसको हम चेक करेंगे दोस्तों, इसके कनेक्शन हम जो इसकी वायर जो हम काट देंगे। आराम आराम से इसकी स्लिप को उतार लेंगे, ठीक उसी प्रकार इसको भी। इस वायर को जो टुकड़े बचे हैं इसे निकाल देना है हमें। ये हमारा एक सिरा पूरा क्लियर हो चुका है, इसको भी उसी प्रकार साफ कर देंगे हम।
बहुत ध्यान से करना है, वरना तारें टूट सकती है। ये देखिए हल्के तार टूट गए, लेकिन हमारी इतनी बाकी है ये दोनों, इससे हमारा काम हो जाएगा। इसके ऊपर इंस्टॉलेशन होता है, उसको हटाने के लिए हम या रेगमाल से रगड़ के भी देख साफ कर सकते हैं और माचिस से भी जला सकते हैं। मैं इसको माचिस से जलाऊंगा। माचिस से जलाने को के लिए जो है बहुत ही सावधानी से जलाना होगा, ज़्यादा देर तक हम इसमें आँच नहीं रख सकते, वरना ये गल के गिर जाएगा। ये हमारा साफ हो चुका दोस्तों, अब इसको हम फिर से चेक करते हैं। ये हमारा बिल्कुल ओके है। ये ख़राब होने का कारण क्या है दोस्तों, जो इसमें जॉइंट जो होते हैं उसके जॉइंटों में जो कार्बन आ जाता है, कार्बन आने की वजह से हमारी तारें टूट जाती है। सिल्वर की कोई भी मोटर होगी, ज़्यादातर 90% कमी उसके अंदर यही आती है, इसका आप ध्यान रखना। एक बार उसको खोल के ज़रूर देखें और लगभग लगभग यही कमी होगी, और वो बिल्कुल आराम से रिपेयर की जा सकती है। इस वायर को भी हम बदल देंगे, इसके साथ साथ ये भी हमारी कमज़ोर हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार इसको भी खोल लेना है। इसमें भी हल्का फुल्का कार्बन आया होगा, अगर हम साथ में बदल देंगे तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बहुत ध्यान से खोलना है इसको, हमारी जड़ से तार टूट सकती है, झटका ना लगे हमारे को। इसमें भी कार्बन आना शुरू हो चुका था, इसको बदलने में ही समझदारी है। ये हमारी चारों तार ओपन हो चुकी है, दो को हम चेक कर चुके हैं और दो को ये तो वैसे ठीक ही है, इसको जला लेंगे दोबारा से इसके कनेक्शन करने के लिए। जलाने के बाद हल्का हाथ से रगड़ लेना, इसकी पॉलिश पूरी तरीके से साफ हो जाए। अब इसको फिर से चेक करेंगे हम। बिल्कुल सही है, बॉडी से भी देख लेंगे कहीं अर्थिंग तो नहीं आ रही है, इस पॉइंट से भी देख लेंगे। ये रनिंग, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है, किसी से भी नहीं आ रहा, सारी तारों मिला के देख लेंगे हम एक एक बार। दोस्तों जो मैंने दो कलर की वायर ले रखी है, एक रेड है एक ब्लैक है, रनिंग में जो हम रेड वायर लगाएंगे और स्टार्टिंग में जो हम ब्लैक वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्लैक वायर लगाते हैं हम स्टार्टिंग में, इसको छील लेना है। कॉपर की वायर यूज़ करनी है, इसको आराम आराम से पूरी वायर पे, इसको जितना छिला हुआ हिस्सा है उतना ही लपेटना है, फालतू नहीं लपेटना है। एक हाथ से हमें तार को दबा लेना ताकि झटका ना लगे, इसका खास ध्यान रखें। उसी तरीके से जो हम रनिंग की भी वायर लगा लेंगे। एक हमारी लग चुकी है और ये आखिरी बार हमारा बाकी है, इसको भी लगा देंगे हम। इसको लपेट के घुमा के इस वायर के ऊपर पूरा लपेट के लगाना है ताकि पकड़ अच्छी बनी रहे इसमें। अब इसमें स्लिप डाली जाएगी और इसको बांधा जाएगा।
पहले हम इसको वायर को जो है सारी सामने कर लेंगे आराम से बिल्कुल। दो हम इस साइड निकालेंगे और दो उस साइड निकालेंगे। यहाँ पे है दो नंबर की स्लीव है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगी, वायर भी मिल जाएगी। इसको थोड़ा छोटा काटेंगे हम इसके बराबर करने के लिए। लग चुका, अब इन दोनों को इस साइड हमें करना है ताकि बांधने में हमें आसानी रहे। अब इसे हम दोबारा से बांध देंगे। बांधने के लिए मैं केबल टाई का यूज करूंगा। सबसे पहले हमें सेंटर में एक बांध देनी है, वायर को एकदम बराबर कर देना है हमें। ये बन गया दोस्तों, अब दूसरा किनारे किनारे। तीन वायर तीन केबल टाई में ही हमारा काम हो गया पूरा। अब इसको हम काट देंगे, जो बड़ा एक्स्ट्रा साइज है। ये हमारा लॉक होता है, खुलेगा नहीं हमारा। आइए हम इसको फिर से चेक करते हैं एक बार। रेड को रेड से चेक करेंगे, हमारी कंटिन्यूटी पूरी ओके है। ब्लैक को ब्लैक से, इसकी कंटिन्यूटी ओके है। अब ब्लैक को रेड से भी चेक कर लेंगे एक बार। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि ये कॉइल हमारी आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, तो उसके लिए एक बार हमें इसको ज़रूर चेक करना है। बिल्कुल नहीं है, सही है। अर्थिंग भी चेक कर लेंगे हम, ये पूरी तरीके से ओके है। आइए अब हम इसको फिट करके चला के दिखाते हैं आपको। फिट करने के लिए जो है सबसे पहले जो है हम पीछे से इसका जो रोटर घुसाएंगे और इसके जो छेद हैं उसका हमें ध्यान रखना है। इसके छेद से चारों छेद से मिलाना है। इसमें छेद तो कई हैं, हम चार छेद को यूज़ करेंगे जो आपस में हम मिला लेंगे इसको। ये हमारी कनेक्शन वायर बाहर निकाल लेनी है, दो इस साइड से और दो इस साइड से। बहुत ही प्यार से डालना है इसको, स्क्रैच वगैरह ना आए इसके अंदर कॉइलों, वरना ख़राब हो सकती हैं। ये हमारे छेद मिल चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें हमें क्या करना है, एक तरफ जो है सलाई डाल के हमें छोड़ करके ये दूसरा कवर बिठाना है। ये हमारा आराम से होगा, इसे उठा के हल्का हल्का ठोक देना हमें। ये दूसरी सिलाई भी हम इधर से डाल देंगे।
ठीक उसी प्रकार जैसे खोला था हमने उसके, इसके पेंच भी उसी प्रकार कस देंगे। इसको निकाल के सीधा करके फिर हमें डालने लगा। फिटिंग करते समय एक हमें उल्टी डाल करके आराम मिलाने में हमें आसानी होती है। हमने कस लिया। ठोक लेंगे हम फाइनल होने के बाद। ये हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा। आइए इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन इस प्रकार है दोस्तों, कंडेंसर के इसकी कंडेंसर की वायर टूट गई है, हमें नया कंडेंसर लेना पड़ेगा। इसे हम हटा देते हैं। नया कंडेंसर मैंने पहले से ले रखा है। इसके अंदर जो है 6 MFD और 8 MFD का कंडेंसर लगता है दोस्तों। मैं इसमें 8 का यूज़ कर रहा हूँ। ये मोटर थोड़ी हैवी है, अगर थोड़ी स्टेटर थोड़ा पतला होता तो उसके अंदर 6 का यूज़ करेंगे। कनेक्शन की विधि इस प्रकार है, दोनों को आपस में मिला लेंगे। एक रेड और एक ब्लैक एक साइड से जो आ रही है और दूसरे दोनों सिरों में कंडेंसर की वायर लगा लेंगे। इसको लो, आइए मैं चला के दिखाता हूँ इसको। ये हमारा ओके है, इस सीरीज पे नहीं चल रहा है, इसे हम डायरेक्ट चलाएंगे। ये थोड़ा हैवी होने के कारण दोस्तों सीरीज पे नहीं चलेगा, इसको हम डायरेक्ट चलाएंगे। ये देखिए हमारा चलने लग गया। ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, रोकने से भी नहीं रुक रहा, हाथ से जबरदस्ती रोकना पड़ रहा है। बहुत पावरफुल है मोटर ये। इसके चक्कर किस प्रकार होंगे वो पंखड़ी पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये उल्टे चक्कर से भी चलता है और सीधे चक्कर से भी चलता है। इस समय ये सीधा चक्कर चल रहा है। हमें एडजस्ट की पंखड़ी ज़्यादातर 99% जो है उल्टे चक्कर की होती है, तो हमें इसके चक्कर जो है पलटने होंगे। अगर चक्कर पलटने की विधि इस प्रकार है, ये रेड वायर को हम एक्सचेंज कर देंगे। इसकी रेड छुटा करके उस दूसरी वाली रेड में लगा देंगे और वो जो रेड छुटाई थी हमने फिर वहीं लगा देंगे। अब इसमें हम कनेक्शन करके चला के देखेंगे। बिल्कुल ओके। पहले ऐसे राउंड में चल रही थी, अब ये इस प्रकार चल रही है, आप देख सकते हैं। पहले ये ऐसे थी, अभी बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों एक बार मैं फिर से इसके कनेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके सामने अगर कोई भी मोटर आती है एडजस्ट पेन की 18 इंची या 15 इंची, सबके कनेक्शन एक ही प्रकार होते हैं। 4 वायर वाली अगर है तो कनेक्शन उसके इस प्रकार बदलेंगे। अगर मोटर कैसी भी चल रही हो, अगर हमें उसको पलटना हो उसके चक्कर यानी दूसरी दिशा में चलाने हो, जो रनिंग वायर होती है रेड होती है या किसी और कलर भी हो सकती है, हम रनिंग वायर की पहचान करके उसको जो है आपस में एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि मैं अब ये कनेक्शन पलट के दिखा रहा हूँ आपको। ये रेड वायर हमने खोली, ये हटा दी और हमने ये दूसरी रेड वायर वहाँ से खोल करके इसमें मिला ली, ये हो गई। और ये जहाँ से हमने खोली थी वहीं लगा दी। तो इस प्रकार जो है, और कनेक्शन जो है हमारे, इसको हम चेक कर लेंगे, उल्टे हैं सीधे।
ये देखिए, ये देखिए अभी हमारी इस प्रकार चल रही है ऐसे राउंड में। मैं आपको फिर से एक बार पलट के दिखाता हूँ। हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली तार हटाया और दूसरा रेड वायर वहाँ से हटा करके आपस में इसको मिला दिया और ये वाला रेड वायर हम यहीं ले आए, ये जुड़ गया। अभी इसको हम चेक कर ले के देख लेंगे। ये देखिए अब हमारा इस तरफ चल रहा है, पहले ये ऐसे चल रहा था, अभी ऐसे करके चल रहा है। तो कनेक्शन बदलने की विधि इस प्रकार है। ये मोटर लगभग फाइनल हो चुका है पूरा। अब इसमें मेन वायर जोड़ करके इसके पीछे का कवर बंद कर देंगे। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये 18 इंची एग्जॉस्ट फैन की मोटर है, ये कूलर में भी यूज़ होती है। इसको कमर्शियल पर्पस से एडजस्ट फैन भी बनाया जा सकता है। घर में ये बिल्कुल ना के बराबर लगता है, ज़्यादातर फैक्ट्री में बड़े हॉल वगैरह में लगता है ये एडजस्ट फैन के यूज़ में। ज़्यादातर घरों में ये मौजूद होता है कूलर के अंदर, लगभग हर बड़े कूलर में ये मोटर आपको देखने को मिल जाएगी। 18 इंची एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं इसको। इसकी लोहे की पंखड़ियाँ रहती हैं। ये हमारी अच्छी तरह से हमें टेपिंग कर लेनी है। कैपेसिटर को कंडेंसर क्लैंप में फंसा देना है। बार हमें बाहर निकाल के ठीक उसी प्रकार जो है बंद कर देनी है। ये पेंच से पेंच मिला लेने हैं हमें दोस्तों। तो दोस्तों भी पूरी तरीके से बल के बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब इसको आखिरी बार एक बार और चेक करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।